हेलो यूट्यूब, दिस इज साज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टॉक मोटो व्लॉग्स। तो फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक छोटी सी राइड लेकर। ओ बाइकर काफ़ी निकले हुए, देखिए केटीएम की सुपर ड्यूक को क्या बना रखा। तो आज एक और राइड करने वाले हैं हम, डुओ राइड। तो आज हमारे साथ एक न्यू फ्रेंड मिस्टर अजय और मिस्टर वी बिजी थे। मिस्टर वी ने सुबह राइड कर ली, मैं सुबह उठ नहीं पाया, कल बहुत थका हुआ था और मिस्टर अजय भी थोड़ा बिजी थे आज, तो आज राइड नहीं हो पाई। तो इसीलिए हमारे एक और फ्रेंड, इनसे मैं फर्स्ट बार मिल रहा हूँ, मिस्टर नितिन, वो आ रहे हैं। और गेस व्हाट, हम दोनों की बाइक का कलर सेम है, सेगमेंट डिफरेंट है। उनके पास 650 है कावासाकी निंजा और मेरे पास 400 है। तो आज कलर मैच होने वाला है बाइक्स का, बोथ गोना बी ग्रीन। तो हरी हरी दो बाइकें और वीडियोस बनाएंगे, थोड़ी रील्स बनाएंगे, वो भी स्पेशली इसीलिए आ रहे हैं कि रील्स बनाएंगे और वीडियो बनाएंगे, यार थोड़ा सा रुक के कहीं पे राइड से ज़्यादा मतलब फोटोग्राफी करेंगे। तो मैंने प्लान बनाया कि मूरीबाई चलते हैं, वहाँ मैंने ड्रोन नहीं उड़ाया, राइड तो दो तीन कर ली है मूरीबाई की, तो मूरीबाई चलेंगे और ड्रोन उड़ाएंगे और वीडियोस लेंगे, फ़ोटो लेंगे। चलिए आपको मिलते हैं अब सीधा सड़क पर। अभी तक वो आए नहीं क्योंकि 2:30 बजे का टाइम था, अभी 2:25 हुए हैं। और ये देखिए, ये री निंजा, क्या हाल है जी, भैया पूरा प्रिपेयर हो गया था। अरे आप तो चमका के लाए हो, आप तो चमका के लाए हो। ये देखो हालत देखो, ऐसी रहती है भाई। आपको पता है ना रास्ता? मेरे को रास्ता पता है, आपने कभी राइड किया इधर? ठीक है, तो मेरा प्लान ये है कि अपन यहाँ से निकलेंगे सीनिक ड्राइव। ठीक है, सीनिक ड्राइव सीधी जाएगी रास्ते में। कल मैं गया था, आपने वो देखी ना शॉर्ट्स मेरी, वो जगह देखनी है तो बताओ, वहाँ जा सकते हैं, थोड़ा सा ही एग्जिट है सीनिक ड्राइव पे। ठीक है, तो अपन पहले चलते हैं सीनिक ड्राइव, फिर सीनिक ड्राइव से चलेंगे भाई टाकरे कुम्यू होते हुए मूरीबाई, फिर वहाँ से वापस आते हैं अगर टाइम बचा जल्दी आगे तो। ये हुईया भी अच्छा है व्यू, ये चलते हैं फिर। ठीक है, थोड़ा 360 व्यू ले ले आपकी बाइक का, आज दो कलर मैच वाली राइड हो रही है ना। ये आगे से तो आगे से सेम ही फ्रेम लगता है, आगे से उतनी विड्थ नहीं लगती, थोड़ा लाइट डिफरेंस है और पीछे से थोड़ा, बस बैक डिफरेंस है ना और स्विंग आर्म भी डिफरेंट है इसकी। नहीं नहीं कोई चक्कर नहीं है, बैठ, अरे कोई चक्कर नहीं है, बैठ के तो ये, हाँ थोड़ी हैवी है ना, पर ये तो बहुत अपराइट है यार, मेरी वाली से भी अपराइट है, अच्छी है ना। उसमें ये नहीं, थोड़ा सा ही है उसमें, जैसे R3 तो बिल्कुल ही ऐसे अग्रेसिव है, है। ये सही है एकदम, ये वो नहीं है ना, स्टैंड लगा दो। तो गाइस अभी मिले नितिन भाई को, तो राइड हो गई है शुरू। तो ये है हमारा पहला स्पॉट जहाँ पे हम आए हैं, मेरे को ये था मिस ना हो जाए, मैं लेफ्ट देख देख के मैंने कहा ये मिस ना हो जाए, अगर मिस हो गया फिर पता भी नहीं लगना है, बहुत अचानक से आके निकल जाता है। ये पहाड़ी की ऊंचाई है, ऊंचाइयों में आसमान की ऊंचाई है, तो आ गए कोहरा ही कोहरा। ये देखिए सामने ये भाई की खड़ी है 650, जबरदस्त आपकी लाइट ऑन है, आई थिंक ऑफ कर दी। और ये इसका छोटा भाई 400
आपको दिखाएंगे। तो अभी छोटी सी ब्रेक लेंगे। ये रहा लैंडलाइन फ़ोन, एमरजेंसी कॉलिंग करनी पड़ेगी किसी को सिक्का डाल के। थोड़ी सी ब्रेक ले रहे हैं अब, कोई ड्रिंक व्रिंक लेंगे। यहाँ खड़ी है दो हरी 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 कंट्री में दो हरी हरी बाइक, हरी भरी पीले पीले हेलमेट, हर रंग अवेलेबल है हम दोनों के पास। इको फ्रेंडली बाइक है। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए अब चलते हैं गैस स्टेशन, पेट्रोल पम्प, यहाँ का कॉल टैक्स जिस पे मैं कभी जाता नहीं हूँ, पर आज यहाँ पे कोई है नहीं तो लेना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ पीने का। देखते हैं कोई ड्रिंक। हाँ ओ तो अभी हमने नहीं नहीं अभी लगाऊंगा ना। अभी हमने बाइक स्वैप की है तो नितिन भाई चला के देखेंगे मेरी छोटी निंजा बेबी 400, और मैं चलाऊंगा क्योंकि रास्ता सीधा सीधा है। मैंने कहा क्यों रिस्क लेना, 650 का भी आज एक्सपीरियंस करेंगे। अपराइट पोजीशन है, बहुत बढ़िया। हाँ ये पर R3 से तो ठीक है, इसमें मेरे को 8-8 घंटे की राइड की टापू कोई प्रॉब्लम नहीं आई। R3 तो ऐसे हो जाती है KTM की तरह। तो चलिए चलिए चलते हैं। अच्छा ये ऑन है, बस ऑन हो जाएगी ना सीधी। अच्छा ओहो तो ये हो गई है शुरू। थोड़ा अलग सा ही फील आ रहा है। आप आगे चलो, क्लच थोड़ा ना टाइट है ना। हाँ 650 चला रहे हैं। ओह न्यूट्रल होगी थी। अल्लाह के हैज़र्ड लाइट ऑन कर दिया है, वो रेड वाला बटन, रेड वाला। अच्छा इसमें है, मेरे में तो है ही नहीं हैज़र्ड लाइट। हाँ आप आगे चलो, मैं आपको धीरे धीरे फॉलो करता हूँ। हैवी सी फील हो रही है एक्चुअली। चलिए अजीब सा फील हो रहा बड़ी बाइक पे।
अभी आए हैं बीच मोरी भाई। ये लाइफ है जिंदगी है। सैटरडे संडे फन करो। ये लाइफ है सैटरडे संडे फन। मंडे टू फ्राइडे कुत्ते की तरह काम करो। सैटरडे संडे कुत्ते को घूमने को मिलेगा। ये गलत बोल दिया यार। तो ये गाइस मोरी भाई बीच मजा आया। इनके साथ छोटी राइड प्लान की, पर सबसे ज्यादा मजा पता कहाँ आया? आपने देखा ना वो स्केटबोर्डिंग वाला, वो देखा आपने? उस बंदे ने क्या ड्रिफ्टिंग की, पूरा रिकॉर्ड हुआ है वो। आज फ्रंट पेज पे जाएगा, थंबनेल में आपने देखा ही होगा। पीछे कुछ लोग काइट भी उड़ा रहे हैं, यहाँ काइट बोलते हैं उसे, बड़ी बड़ी। कई बार ये खुद ही उड़ जाते हैं और फिर किसी किसी में मिलते हैं। पूरे बहुत डेंजरस काम करते हैं। एडवेंचर का मजा यहीं पे ही है यार। अभी एक एडवेंचर है। और एग्जांपल उसको देख लो, समुंदर के बीच में पैराशूट का उड़ा रहा है। आप लोग दिख रहा होगा ऊपर से। तो गाइस मोरी भाई बीच पे आए, थोड़ी बातें शातें की, जस्ट मीटअप था भाई के साथ। और भी राइडों में भाई हमें ज्वाइन करेंगे। मज़ा आया, ऑसम लग रहे थे मेरी बाइक पे 400 चलाते हुए। तो अभी निकलेंगे घर को, जिप चेक कर लें कहीं कुछ गिरी ना जाए रास्ते में। ओहो बटवा कहाँ गया? बटवा भी सही है, पावर बैंक भी सही है। तो निकलेंगे अब घर को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए, शेयर पता नहीं कोई करेगा कि नहीं, पर चैनल पे नया बंदा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। निंजा 400 650 भी अब ग्रुप में ज्वाइन हो गई है। होपफुली भाई हमारे साथ राइड करेंगे अगर इन्हें आज की राइड अच्छी लगी हुई हो। तो फिर से मिलेंगे एक वीडियो में आपको। चलिए चलते अब घर को, होम टाइम। पीछे का डार मस्त है यार।